हर एक दौर में कोई ना कोई व्यक्ति उभर कर आता है जिसके पीछे पूरी जनता का सपोर्ट होता है, उस क्षेत्र के उनके चाहने वालों का सपोर्ट होता है। आज एक ऐसे ही चेहरे और ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ हम अपना वक्त बिताने जा रहे हैं। उमेश देशमुख जी, क्षेत्र क्रमांक 24, जिला पंचायत सदस्य के रूप में आज अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अगर हम चर्चा करें तो काफ़ी लंबी राजनीतिक पारी वे पहले भी खेल चुके हैं और उनका ये स्ट्राइक अभी भी रोटेट हो रहा है। निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करते हुए पंच की भूमिका से सरपंच की लंबे अंतराल को पूरा करने के बाद तीसरी पंचवर्षीय लगभग पूरी करने को है, जबकि वे जिला पंचायत की बागडोर एक सदस्य के रूप में संभाल रहे हैं। एक लंबा राजनीतिक जीवन है, आने वाला कल स्वर्णिम दिखाई देता है। बीते वक्त के साथ आपके अनुभव कैसे रहे? बीते जो हमने राजनीति क्षेत्र में काम किया, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हमने विकास नहीं हो पाया था, और जब से हमने राजनीति क्षेत्र में आया, इसको तो बैहर क्षेत्र को काला पानी बुला ही जाता था, वो यही स्पॉट है। लेकिन 2000 से हमने जब जिला पंचायत सदस्य के रूप में आए और 2003 में मध्य प्रदेश में जो अपनी सरकार बनी, जिला पंचायत में मैं एक सदस्य के रूप में काम किया और उसके माध्यम से हमने यहाँ के सबसे पहले आगमन को हमने प्राथमिकता दिया, उसमें सड़कें, पुल, पुलियाओं को, फिर हमने शिक्षा को ध्यान दिया, कृषि में हमने सिंचाई को ध्यान दिया, विद्युतीकरण का विस्तार किए। इस प्रकार से हमारे काम करने का अनुभव आए और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमने शिक्षा में भी अच्छी प्रगति किया हुआ है, आगमन को हमने जोड़ने में सफल हुए हैं, सिंचाई के रकबे बढ़ाने में भी हमारा प्रयास है। ये हमारे काम करने के तरीके थे, लोगों के बीच में जा कर के जो बातें आई थी कि प्राथमिकता किसको तय करना है, तो हमने सबसे पहले आगमन को किया। जी, जैसा कि दूरस्थ क्षेत्र है, काफ़ी दुर्गम क्षेत्रों की गिनती में आता है बैहर क्षेत्र, जहाँ सुविधाएं मुहैया कराना, जनता के बीच उनकी बुनियादी सेवाओं को पहुँचाना तकलीफ़ों से भरा सफ़र है। हर एक क्षेत्र में, चाहे वो संचार के माध्यम जैसे आपने कहा, आवागमन के संसाधन उपलब्ध कराना, आज आपके जो इस बेल्ट में 24 नंबर के जिला पंचायत क्षेत्र में काफ़ी सड़कें, जब हम गुजरते हुए आपके साथ चर्चा करने के लिए यहाँ आ रहे थे, काफ़ी अच्छा जाल दिखाई दे रहा है, छोटे बड़े पुल पुलियाओं का काफ़ी निर्माण हुआ है। एक दौर था जबकि आपके स्वयं के जो गृह ग्राम है वहाँ पहुँच पाना भी एक दुर्गम बात मानी जाती थी, खासकर बरसात का जब वक्त आता था, और ऐसी सुविधाओं को आप जनता के बीच में लेकर आए हैं। ये सारा सपोर्ट सर्व समाज को आप यहाँ पर प्रतिनिधित्व देते हैं, जनजातीय क्षेत्र है, पवार समाज के एक आप अग्रणी प्रेरक चेहरों में से एक चेहरे हैं, साथ ही आप अन्य दूसरी भी गतिविधियाँ जो संस्कृति से जुड़ी है, हमारी सभ्यता से जुड़ी है, धार्मिक गतिविधियों में भी अपना नाम रखते हैं। ऐसी अगर चर्चा को हम आगे बढ़ाएं तो एक स्थान का नाम उभर कर सामने आता है, पवार श्रीराम मंदिर ट्रस्ट सियालपाट बैहर का। लंबे अरसे की बात है जबकि वो एकमात्र छोटा सा मंदिर ऊंची पहाड़ी के ऊपर हुआ करता था, आज एक दर्शनीय और धार्मिक स्थल के रूप में जगत विख्यात हो रहा है। आप उस ट्रस्ट के भी अध्यक्ष हैं, जब से आपने वहाँ की कमान संभाली है, कौन से ऐसे विकास के कार्य आपने वहाँ कराए और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो सियालपाट श्री राम मंदिर ट्रस्ट को आगे दूसरे और स्तर तक जोड़ने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? जब से मैं वहाँ पर पवार राम मंदिर ट्रस्ट की अध्यक्षता की जिम्मेदारी आई मेरे पास, वहाँ पर भी आगमन को हमने ठीक किया। चूँकि पवार समाज का एक वो धार्मिक स्थान है, राष्ट्रीय स्तर से उसको तीर्थ स्थान का दर्जा दिया गया है, इसलिए हमने वहाँ पर एक शिव मंदिर का भी निर्माण किया भव्य तरीके से, और इलेक्ट्रिक का भी मतलब बिजली का भी विस्तार किए, मंदिरों का जीर्णोद्धार किए। चूँकि वो पवार समाज ने सौर समाज का एक आस्था का केंद्र है, इस बात को लेकर के हमने महामाया मंदिर और इनका सबका जीर्णोद्धार कार्य करके
जब भी पर्व आया वहाँ पर हमने पूरी गतिविधियाँ 9 दिन तक चले, भंडारा चले, पहले भंडारा की व्यवस्था नहीं थी। और आगामी हमने, चूंकि वो हमारे पंवार राम मंदिर ट्रस्ट के भूमि स्वामित्व में 20 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर हम इस क्षेत्र में जो शिक्षा की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए आगामी हम आयुर्वेद कॉलेज प्रारंभ करने का वहाँ पर हमने किया है प्लान। दूसरी चीज, समाज की एक आस्था केंद्र होने से, राष्ट्रीय स्तर का तीर्थ स्थान होने की वजह से भी हमने वहाँ आदमकद राजा भोज की प्रतिमा का अनावरण भी आगामी हमारा सितंबर माह में वो पूरा हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़े तहसीलों में नाम शुमार किया जाता था बैहर का, आपके आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में आपके कौन कौन से प्रयास रहे? राजनीति क्षेत्र में हम जब से काम किए हमने इसको प्राथमिकता देते हुए मलाजखंड में महाविद्यालय का हमने शुभारंभ कराया, उसका लाभ इस दूरस्थ क्षेत्र को मिला और आज यहाँ पर शिक्षा में जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं, उसका लाभ हमको सीधे मिला। क्योंकि बैहर भी जो हमारा महाविद्यालय था वहाँ पर भी हमने MSc और साइंस ग्रुप के सारे फैकल्टीज शुरू किए, इस क्षेत्र में अब शिक्षा का विस्तार भी हुआ है। तकनीकी दृष्टिकोण से ये क्षेत्र फिर वही एक शब्द पलट कर वापस आ जाता है, दुर्गम क्षेत्र। संचार के माध्यम यहाँ उतने अच्छे नहीं है, कुछ एक टावर दिखाई देते हैं, कुछ एक एरियाज में दूसरे नेटवर्क की सुविधाएं हैं, मगर जब हम कवरेज की बात करते हैं या फिर संचार के तंत्र की के स्वस्थ होने की बात करते हैं तो उतनी स्वस्थ संचार सुविधाएं यहाँ दिखाई नहीं देती। कौन से ऐसे प्रयास हैं जिनके तरफ आपकी नज़र है जिसके माध्यम से संचार सेवाओं को भी यहाँ 2 कदम आगे ले जाया जा सके? हमने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया हुआ है, क्योंकि शासन ने भी जो ऑनलाइन का जो सेवाएं देने का प्रयास किया है, लेकिन यहाँ पर दूर संचार की व्यवस्था उतनी ठीक नहीं होने से हमने अपने जिले के सांसद को भी इस ओर ध्यान आकर्षण कराया है और कुछ हद तक हमने सफलता पाया भी है कि यहाँ पर BSNL के जो टावर हैं वो स्वीकृत हैं और उनमें अभी निर्माण कार्य भी प्रारंभ है, आगामी 6 माह में ये भी हमको सेवाएँ मिलेंगी। चूँकि हमारा इसमें विशेष ध्यान दिया हुआ है, शासकीय कार्य आजकल सब इसी ऑनलाइन से प्रक्रिया से होना है, कंप्राइज होना है, तो यहाँ पर 4G दूरस्थ क्षेत्र में होना चाहिए ताकि जो ई पेमेंट की भी सपना सरकार ने देखी उसको बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। और इसमें हमने सांसद जी को और सांसद उनके तक हमने यहाँ की समस्याओं को रख चुके हैं। एक अरसे से आपका नाम एक और संघर्ष समिति या खुले संघर्ष के साथ जोड़कर देखा गया और वो संघर्ष रहा है हमेशा बैहर को तहसील नहीं बल्कि पृथक जिले बनाने की मांग को लेकर। ये मांग आप ही के नहीं बल्कि सर्व समाज को, संपूर्ण जनजाति क्षेत्र का आपको समर्थन मिला और विगत वर्षों में आपने कई बार इसके लिए मोर्चे भी खोले, आपकी गतिविधियां अभी इसको लेकर चल भी रही है। वे कौन से उद्देश्य हैं जो पूरे हो सकेंगे अगर बैहर तहसील नहीं अपितु तो एक जिला बन जाए? आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमने अपने जिस पार्टी से हम लोग विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं उनके भी हमने घोषणा पत्र में इस बात को लाने का प्रयास किया है। चूंकि मैं एक जिले के प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मेरे को एक जिम्मेदारी जो मिली है जिले में किसान मोर्चा की, उसके माध्यम से भी मैंने प्रदेश में भी इस बात को रखने का प्रयास किया है कि जब तक हमारे बैहर को आप जिला नहीं बनाएंगे इसका लाभ हमारे जनता को नहीं मिल पाएगा। अगर इसको चुनाव के पूर्व यदि इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो जाता है और घोषणा ही नहीं उसको जिला घोषित करके सीधा कार्य क्रियान्वयन होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले हमने भी जिला अगर स्वीकृत हो जाता है तो उसकी सारी व्यवस्थाएँ एडिशनल SP से लेकर के अपर कलेक्टर से लेकर के सारे पदों स्थापना हो चुका है, यहाँ पर स्थान की कोई कमी नहीं है, मात्र सरकार की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अगर चुनाव के पूर्व इस बात को अगर पूरा कर लिया जाता है तो निश्चित है कि उसका लाभ सरकार को भी चुनाव में मिलेगा और हमारी जनता को एक सुविधा मिलेगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी संतुष्टि होगी। जी हाँ बिल्कुल, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो बैहर के पास बहुत बड़ी परिधि है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है जो बैहर से जोड़कर देखी जाती है, प्रदेश में बालाघाट जिले का भले ही एक बड़ा विशिष्ट स्थान है जहाँ से खनिज
और दूसरे न जाने कितने संसाधन ऐसे हैं जो प्रदेश की आय को बड़े ऊपर के स्तर तक लेकर जाते हैं। तो कान्हा नेशनल पार्क जैसी सौगात इस जिले और इस पूरे राष्ट्र को, अभी तो पूरे धरोहर के रूप में पूरे विश्व को अगर कोई देता है तो उससे बैहर का नाम जोड़कर हमेशा देखा जाता है। नेशनल पार्क को आगे ले जाकर राज्य के इस आय के एक बड़े स्रोत को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए कुछ प्रयास आपके जरिए और आपके क्षेत्र के वासियों के जरिए होते हैं? बिल्कुल होते हैं, सहयोग भी कर रहे हैं इसमें सरकार की। चूँकि कोर एरिया को छोड़ करके बफर जोन का यहाँ पर व्यवस्था की गई है, बफर जोन में भी लोग सहयोग कर रहे हैं। बहुत से गाँव का विस्थापन हुआ है, उन विस्थापन को भी यहाँ पर स्थान दिया गया है, उन लोगों ने भी सहयोग किया है ताकि कोर एरिया सुरक्षित रहे और इसमें हमारी धरोहर बना रहे इस बैहर क्षेत्र का, क्योंकि ये विश्व में एक प्रसिद्ध स्थान है पर्यटन का। और वन का जो पर्यावरण को लेकर के भी अगर देखा जाए तो सबसे अधिक ये हमारे बैहर क्षेत्र में ही सुरक्षित रखा गया है। आगामी हम यहाँ पर जैसे पर्यावरण को ध्यान में रखा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसे अगर यहाँ पर विकास कार्यों में भी अगर कमी आई है, राजस्व भी अगर देखा जाए तो वन विभाग के माध्यम से यहाँ पर राजस्व अधिक जाता है सरकार को। खनिज संपदा भी यहाँ पर भरपूर है, खनिज संपदा भी यहाँ पर से करोड़ों की राशि जाती है। हम चाहते हैं कि मेरे एक जिला पंचायत सदस्य होने के नाते यहाँ से खनिज संपदा का राजस्व, वन विभाग का राजस्व, ऐसे सारे राजस्व बड़े रूप में जाता है तो उसका अधिकतम यहाँ बैहर क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए यहाँ का विकास होना चाहिए, ऐसा मेरा सदा प्रयास रहता है। और आखिर में एक और बात, एक किसान के परिवार से आप नाता रखते हैं, स्वयं एक उन्नत किसान है, अपने जीवन का आधार और आपका मूल व्यवसाय भी कृषि है, उन्नत तरीकों उन्नत संसाधनों को आप आजमाते हैं, क्षेत्र में भी अब कृषि का विस्तार हो रहा है, जोत का क्षेत्र बढ़ रहा है और नए तरीकों को इस्तेमाल करके किसान और भी ज़्यादा उपज ले रहे हैं, ऐसे में क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए आपका क्या संदेश है? यहाँ के क्षेत्र के किसानों के लिए, चूँकि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, मैं स्वयं किसान हूँ, मैं सबसे पहले प्राथमिकता सिंचाई को रखा है। दूसरी प्राथमिकता सरकार का ध्यान आकर्षण कराता हूँ कि कृषि विभाग का अमला पूरा यहाँ पर रहे पद स्थापना के अनुसार, ताकि जो उन्नत किस्म की जो बीजें हैं या खेती है या जैविक के ऊपर जो सरकार का ध्यान है, हम जब तक यहाँ पर पूरा अमला दे नहीं पाएंगे, चाहे वो फिशरी हो, उद्यान की हो, चाहे कृषि का मामला हो, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी और अधिकारियों की पद स्थापना हो और वो इस दिशा में हमारे यहाँ पर काम करें। बहुत संभावना है इस क्षेत्र में कृषि में विकास करने के लिए, चाहे फलोद्यान का मामला हो, चाहे फिशरी का मामला हो, चाहे कृषि हो। मैं एक किसान होने के नाते आज के 20 साल पहले से जो हाइब्रिड की बात जो आती है, मैंने सबसे पहले बैहर क्षेत्र में हाइब्रिड का बीज लेकर के आया और मैंने पहले खेती करके प्रति एकड़ का औसतन मैंने 40 क्विंटल का लिया और उसके बाद में इसका प्रचार प्रसार विभागों के द्वारा किया गया, किसानों को यहाँ पर भ्रमण के लिए लाया गया और आज ये स्थिति है कि जिले में सबसे अधिक बिरसा ब्लॉक में ही हाइब्रिड की खेती होती है। तो इन सब चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, ये सारा प्रोजेक्ट लोगों के सामने रखने के लिए और उनकी सोच में सकारात्मक बदलाव के लिए, ऐसी कोई कार्य योजना आपके मस्तिष्क में है कि आने वाले कल को, आने वाले वक्त में कुछ ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करवाए जा सके, आपके क्षेत्र की जनता उसका लाभ ले, कृषि उद्यानिकी और फिशरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो दूसरे अधिकारी वो आकर अपनी सेवाएं देते हुए उन्हें और अच्छी चीज़ें बताकर चले जाएं या कि उन्हें तकनीकी दृष्टिकोण समझाकर चले जाएं, ऐसा कोई योजना आपके मस्तिष्क में है या आपकी कार्य योजना में ऐसी चीज़ें हैं जुड़ी हुई? नहीं, इस पर भी मेरा ध्यान है कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई, एक तो मैं पहले भी बता चुका कि दूरस्थ एरिया होने की वजह से अपना यहाँ के और साइंटिस्ट आए और किसानों को समझाएं अपने इस विषय में, और चूंकि एक प्रतिनिधि होने के नाते भी एक हमारे लगा हुआ है यहाँ पर गढ़ी और वहाँ पर कृषि विभाग की ज़मीन बहुत हजारों एकड़ में है। हम चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ अगर पशु डेयरी फार्मिंग डेयरी फार्मर उसका एक कॉलेज भी अगर खोला जाए यहाँ पर तो उसकी बड़ी संभावना है। हम इस ओर लगे हुए हैं कि भविष्य में जैसे मुरझड़ में कृषि कॉलेज खुला है, वैसे पशु कॉलेज हमारे गढ़ी में अगर खुल जाए तो इसका भी लाभ हमारे यहाँ के किसानों को मिले। जिले में बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं, मगर दूरस्थ क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, बैहर के अंदरूनी गांवों में अगर हम झांक कर देखते हैं तो स्वास्थ्य की सुविधाएँ
जो एक खस्ता हाल पड़ी हुई है। हम या कोई भी इस चीज़ के लिए किसी को कहीं से भी आरोप नहीं लगा सकता है, लेकिन हाँ, एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार प्रतिनिधित्व तो हमेशा इस ओर देखता है कि कैसे और किन प्रयासों के चलते बड़ी मूलभूत सुविधा है स्वास्थ्य लोगों तक पहुँचे। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें। बीच में मैं 5 वर्ष महिला आरक्षण हो जाने की वजह से मेरा गैप रहा प्रतिनिधित्व में, लेकिन सरकार, मैं उस समय संगठन की जिम्मेदारी निभा रहा था सरकार की ओर, उस ओर मैंने अपनी बात संगठन के माध्यम से भेजा। फिर पुनः निर्वाचित जब मैं जिला पंचायत के सदस्य के रूप में हुआ, हमने जिले की पटल में इस बात को रखा और यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी डॉक्टर के अभाव में खाली पड़े थे। बहुत प्रयास के बाद में हमने महुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महुआ में एक डॉक्टर लाने में सफल हुए। दूसरे दमोह के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हमने डॉक्टर लाने में सफल हुए। और भी यहाँ पर हमारे ऐसे 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जो डॉक्टर की आवश्यकता है, महिला डॉक्टर की आवश्यकता है। इसके लिए हम बड़े प्रतिनिधियों के इसमें और मैं जिला पंचायत की बैठक के माध्यम से अपनी बात ऊपर पहुंचाने का प्रयास करता हूं, ताकि यहां के लोगों को इसका लाभ मिल सके। बहुत आवश्यकता है इस क्षेत्र पर। लगभग बातों पर हमारी चर्चा हुई। जैसा कि हमने पहले भी कहा, बहुत लंबा अरसा आपने राजनीति को दिया है, समाज की सेवा को दिया है, संस्कृति धर्म आध्यात्म के क्षेत्र में भी आपने जब जब पदार्पण किया, कुछ नई सोच और नए विचार लेकर आम जन के बीच आप रहे। जब आपने राजनीतिक गतिविधियां संचालित की, वहां भी एक अलग ही आपका चेहरा देखने को मिला, और वही एक कारण है कि आपको इस क्षेत्र की जनता का प्यार मिलता है। अंत में जाते जाते आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ऐसे कुछ प्लान आपके अंदर है, आपके मस्तिष्क में चल रहे हैं, या आपके टेबल पर एक प्रपोजल के रूप में पड़े हैं जो आगे बढ़ाना चाहेंगे, और उन जो योजनाओं को क्रियान्वित कराकर जमीनी स्तर पर उन्हें दौड़ाकर क्षेत्र की जनता को और लाभ आप देना चाहेंगे? मैं इसके लिए लगा हुआ हूँ कि मेरे किसान भाइयों को सिंचाई मिले, इस बात को लेकर के एक जमुनिया नदी में मेरा एक मांग है हमेशा, इनिकेट बांध बना करके जगला जलाशय में उस पानी को छोड़ना और उसकी सिंचाई रकबा कैसे बढ़े, उसको मेरा प्लान है। मैं प्रयास भी कर रहा हूँ कि वो भोपाल स्तर तक वो कार्यक्रम पहुँच चुका है। दूसरी बात, मैं आवागमन को और दुरुस्त करना चाहता हूं, क्योंकि ये दुर्गम क्षेत्र की बात जो आई थी, ऐसे मेरे क्षेत्र में और भी सड़कें जो कनेक्टिव में जोड़ना है, पुल पुलियाएं से लेकर के सड़क भी अगर यहां पर पक्की सड़कें हो जाती हैं तो इस ओर भी मैं आगे प्रयास कर रहा हूं, ताकि सड़कें से हम संघर्ष न करें, सिंचाई का हम रकबा बढ़ाएँ, हमारे जो बच्चे हैं आवागमन करके कॉलेज का लाभ ले सकें, ये मेरा प्रयास है। सवाल कई हैं और जवाब भी हमें मिल ही जाएंगे, लेकिन एक वक्त है, वो परिस्थितियां हैं जो सभी चीज़ों को तय करती हैं। जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 24 के जिला पंचायत सदस्य उमेश देशमुख जी द्वारा वो मांगें उठाई गई हैं, चाहे अपने संगठन के माध्यम से मांग की ज़रूरत हो या प्रशासनिक स्तर पर किए जाने वाले किसी भी प्रयास की आवश्यकता हो, उन्होंने अपना हर प्रयत्न समाज की सेवा के लिए और क्षेत्रवासियों की सेवा के लिए किया है। आज की इस परिचर्चा में इतना ही। ONI न्यूज़ के साथ के लिए मैं मुकेश पटले, वीडियो जर्नलिस्ट पंकज सहारे और हम ब्यूरो चीफ आकाश सोनेकर के साथ।